आजकल एक और ट्रेंड चला है, मोबाइल पे होमवर्क भेज रहे हैं बच्चों के। अब आप बताओ सर, टीचर मोबाइल पे होमवर्क भेजते हैं और बच्चे, अब हंसी तो इस बात से आती है कि होमवर्क तो भेज दिए, अब गार्जियन कमाए अपने काम देखे या इन बच्चों के प्रिंट आउट निकालने चले, नेट पे जाए बच्चों को प्रिंट आउट निकाल के दे, लो बेटा होमवर्क कर लो। टीचर एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन समझा देती है और बाकी होमवर्क के लिए, चल होमवर्क के लिए दिया तो दिया सही है, बोर्ड पे नोट करवा दो, ये नेट पे डालने की क्या जरूरत है भाई। आप सबको पता है कि आज की डेट में फोन सबके पास है पर प्रिंटर थोड़े है सबके पास, प्रिंटर कौन रखता है। बच्चों को क्वेश्चन देना है, पांच क्वेश्चन नोट करना कौन सी बड़ी बात है, दस क्वेश्चन नोट करना कौन सी बड़ी बात है भाई बोर्ड पे। अब बच्चा फोन मांगता है आपका तो आप बच्चे को फोन नहीं देते, स्कूल में जाता है कूटता अलग से टीचर से, घर आता है बेचारा रोया सा रहता है। अगर आप फोन दे दिए तो बच्चा होमवर्क के बाद में कुछ और भी सर्च कर लेता है, गेम डाउनलोड कर लेता है। अब आप वो अपना काम भले कर चुका हो और आपने उसे गेम खेलते देख लिया, पहले आप भी कूट दिए उसे, गेम खेलता है फोन, कल से तुझे फोन मांग मैं तुझे कल फोन दूंगा। सर बच्चे हैं, आप भी बताओ, आज तो हम बाइक से चलते हैं कार से चलते हैं, लेकिन जब बचपन में हम जब साइकिल चलाना सीख रहे थे तो अगर कोई हमें ये कह देता था कि ये संभालना, हम कहते अपनी साइकिल दोगे तभी हम जाएंगे, कहता ले जा साइकिल दे देता था। साबुन की दुकान पास में होती थी लेकिन हम दो चक्कर घुमा के आते थे गांव को, वो पूछता था इतनी लेट क्यों कर दिया, शॉप पे बहुत भीड़ थी। मतलब सर जब हमारे पास हम कोई चीज सीखते हैं वो चीजें हमें नहीं मिलती है, मन है बच्चे हैं सर ऐसा करता है, हर कोई करता है। जो नई नई चीजें जब घर में आती हैं तो लोगों का अट्रैक्शन होता है। मैं अभी बच्चों को कोई गलती नहीं दूंगा, बच्चों की गलती 1% नहीं है, क्योंकि बच्चे कुछ नहीं जानते, या तो आपकी बात मानते हैं और सबसे ज्यादा अपने टीचर्स की बात मानते हैं जो उनका फेवरेट टीचर है, तो फिर गलती बच्चों की कहां है, वो तो आप जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। हाँ भाई थोड़ा बहुत तो उनका भी मन है जो कुछ करेंगे, अब आप टोटली तो किसी को नहीं कन्वर्ट कर सकते ना। तो अब आप बताओ सर, अब होमवर्क करने के लिए आप अपने घर में एक प्रिंटर भी लाओ, आप टीचर से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई आप ऐसा क्यों करती है, क्यों स्कूल तो बहुत महंगा है, बहुत बड़ा स्कूल है भाई, हम क्वेश्चन नहीं कर सकते किसी से क्योंकि वहां पर हमारी तो फीस जाती है भाई, बहुत हैवी फीस है, बहुत बड़ा स्कूल है, आप जाते हैं टीचर्स को अच्छे से पता है गार्जियन का लेवल क्या है, आप जाते हैं वो इंग्लिश में चार वर्ड बोल देती है, इंग्लिश, और आप यस मैम ही, क्योंकि सर तो आजकल के स्कूलों में बहुत कम है स्कूलों में सर, सबसे अच्छा पता है। मैंने कहा मैम बुरा पढ़ाती है ऐसा मत सोचिएगा, लेकिन हाँ एक सोशल पर्सन एक फीमेल टीचर से कभी आर्ग्यू नहीं कर सकता, ये है नेचुरल है, तो सर मत करिए फिर, आप झेलो सर कुछ नहीं होगा ऐसे, या तो आप अपने बच्चे को
प्रॉपर एजुकेशन के लिए एक प्लेस खोजो जहां हमारा बच्चा सीखे। ये मत देखिए कि फीस 400 लेता है कि 2000 फीस लेता है। फीस तो भाई हर आदमी अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग लेगा ही लेगा। तो हमें इन सब चीजों पर नहीं सोचना है, बस हमें अपने बच्चों को उस जगह भेजना है जहां हमारा बच्चा ये सीख सके कि उसे पढ़ाया क्या जा रहा है और क्यों पढ़ाया जा रहा है। और धीरे धीरे बच्चा जब जैसे 7th 8th 9th 10th तक जाएगा, मैं आपसे गारंटी लेता हूं सर, वो क्यों पढ़ के अगर आया होगा तो आगे अपने स्ट्रीम की चुनाव वो खुद कर सकता है, आपसे या आपके भाई से या अपने बड़े भाई से या किसी टीचर से नहीं पूछेगा कि हम 11th में कॉमर्स से पढ़े कि मैथ से पढ़े। वो खुद ये सजेस्ट कर लेगा कि हाँ भाई मुझे किसे पढ़ना चाहिए। प्लीज सर, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन की जगह पे भेजिए जहां पर आपके बच्चे का स्कूल का होमवर्क भी कराया जा सके, आपके बच्चे से क्रॉस क्वेश्चंस भी किया जा सके और आपके बच्चे को क्यों का मतलब ही समझाया जा सके। इस बार हम खुद कोशिश ऐसा कर रहे हैं कि हम अपने ट्यूशन में 2 घंटे का टाइम दें छोटे बच्चों के लिए, 6th 7th 8th 9th के बच्चों तक के लिए 2 घंटे हम सोचते हैं ट्यूशन पढ़ाने जाए, जिसमें 1 घंटा मैं अपने सिलेबस से पढ़ाऊंगा, जिसमें मुझे ये पढ़ाना है कि क्यों मैथ में ये चीज पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, साइंस में ये चीज पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर में ये चीज पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, SST सोशल साइंस जो भी तुम चीजें पढ़ रहे हो वो फ्यूचर में कहाँ यूज है, क्यों पढ़ रहे हो, ये समझा के हम 1 घंटा पढ़ाना चाहेंगे। प्लस हाफ आवर हम आपके बच्चों का स्कूल का होमवर्क करवाएंगे, आफ्टर देन प्रिंट, जितने प्रिंट जो भी माता बच्चे से सर आप भूल जाओ, फिर हाफ आवर जो हमारा टाइम होगा उसमें हम प्रॉपर अल्टरनेट टेस्ट लेंगे आपके बच्चों का। शायद कुछ गार्जियन जिनके बच्चे हमारे पास पढ़ रहे होंगे उन्हें ये पता भी होगा कि हम खुद अपने टेस्ट कॉपी पे टेस्ट लेते हैं और उन गार्जियंस के पास कॉपी भेजते हैं और उनके सिग्नेचर्स लाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बेस्ट अभी हो चुका है चीजें, लेकिन हाँ मेरा गारंटी है सर कि अब से आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बच्चा हमारे पास 2 घंटे के लिए आएगा, 1 घंटा हमसे खुद पढ़ेगा, हम खुद अपना सिलेबस बना के पढ़ाएंगे, हमें स्कूल के टीचर से कोई मतलब नहीं होगा, हमें आपके प्रेशर से कोई मतलब नहीं होगा। अगर क्लास 6th का बच्चा तो हम 6th का सिलेबस पढ़ाएंगे अपने अकॉर्डिंग, उसे क्या क्या चीजें आनी चाहिए 6th लेवल पे, 7th में तो उसे किस किस लेवल की चीजें आनी चाहिए 7th लेवल पे, 8th में बच्चा तो किस किस लेवल की चीजें उसे आनी चाहिए 8th में एडिटिंग। फिर हाफ आवर उसकी टीचर ने क्या होमवर्क दिया, क्या कल का प्लान है, कल क्या उसका टेस्ट है, सब हाफ आवर में, एंड हाफ आवर फिर वही टेस्ट। इस तरह से आपका बच्चा हमारे पास 2 घंटे के लिए रहेगा सर। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है सर कि या तो आप अपने बच्चे को खुद ये काम कराइए, या आपका बच्चा जिस ट्यूशन में पढ़ रहा है उस ट्यूशन में जाकर के ये चीजें करवाइए, या फिर आप अपने बच्चों को हमारे पास भेजिए सर। मैं गारंटी लेता हूं सर कि इस बार हम ऐसा काम जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच।